ये कहानी है तराना नाम की बहुत ही जिंदा दिल और स्वाभिमानी किन्नर की, जो किन्नर कम्युनिटी के लिए एक मिसाल बन गई। चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। बाकी सभी किन्नर की तरह तराना भी, जो कि बहुत खूबसूरत थी, गली गली घूमकर बधाइयां लेती, रेड लाइट पर लोगों से पैसे लेती, शादी पार्टियों में नाचने गाने जाती, पर उसे अपनी जिंदगी में एक कमी महसूस होती ही रहती थी, जो थी एक औलाद की। वो जब भी किसी नवजात बच्चे की बधाई लेने जाती, उसके दिल में हमेशा यही सवाल आता कि काश वो भी माँ बनने का सुख ले पाती। ते ही एक शाम अपने कुछ किन्नर सदस्यों के साथ, आए हाय, अरे अरे मुई तेरा मुंह क्यों उतरा है, ओहो हाय, आए गोद में लिया लल्ला और मुझे मिला सोने का छल्ला। अरे तराना, तुझे कुछ नहीं मिला क्या जो मुंह लटका के खड़ी है? अरे अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। ओए होए, अरे बता ना क्या बात है। हम रोज इतने बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं, पर खुद कभी माँ बनने का सुख नहीं ले पाते। हाय हाय तराना, अगर ये गुण हमारे अंदर होते तो हम किन्नर थोड़ी होते। आए हाय, मोई दुनिया का यही दस्तूर है, हम नहीं बन सकते बाकी सब जैसे, हम तो ऐसे ही बढ़िया हैं। हे भगवान, आखिर क्यों मुझे किन्नर बनाया, क्यों मैं माँ नहीं बन सकती? इतने बच्चों को रोज अपने हाथों में लेकर दुआ मांगती हूँ, पर एक को भी अपना नहीं कह सकती, आखिर क्यों मेरा नसीबा ऐसा बनाया? अरे अरे कहाँ खो गई तू, चल चल खाना खा ले, कल शादी में जाना है, बुलाया है, खूब बधाइयाँ मिलेंगी। ठीक है, आप सब चलिए, मैं आती हूँ। तराना सारी रात खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पे लेटे लेटे सोचती रहती है कि काश वो भी कभी माँ बन पाती। सोचते ही सोचते सुबह हो जाती है और वो वापस से अपने कामों में लग जाती है। जैसे ही शाम होती, वो और उसकी पूरी मंडली शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि तराना बेहद सुंदर थी, तो वो जहाँ भी जाती, सब लोग उसे एक टक देखते ही रह जाते। वो अपना नाचने गाने का काम शुरू करते हैं, जिसे देख सभी लोग बेहद खुश होते हैं। तभी वहाँ मौजूद रोहन नाम का एक लड़का, जिसे तराना बेहद पसंद आती है, वो उसके पास जाता है और कहता है, हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, सुनिए। जी कहिए, क्या बात है? बधाई के पैसे तो अंदर ही मिल गए थे, और नहीं चाहिए साहब? अरे नहीं नहीं, मैं पैसे देने नहीं, मैं आपसे बात करने आया हूँ। हाँ साहब बोलो, कहाँ बधाई लेनी है, मैं और मेरी मंडली वहीं आ जाएंगे। अरे आप गलत समझ रही हैं। देखिए मैं तो बस आपसे बात करना चाहता हूँ। वैसे नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम तराना है साहब। तभी मंडली की एक किन्नर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ए तराना जल्दी चल रहे। हाँ हाँ चलिए, वैसे भी काफी रात हो गई है। तराना अपनी मंडली के साथ वहाँ से चली जाती है और रोहन उसे देखता ही रहता है। वो उसके बारे में जानकारी निकालने लगता है, जैसे तैसे वो उसके घर का पता निकाल लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। तराना उसे वहाँ देख पूछती है, अरे साहब आप यहाँ, हम किन्नरों के घर कैसे आना हुआ आपका? जी मैं यहाँ, बस आपसे मिलने का मन हुआ तो चला आया। आए हाय, मुझसे क्या काम आ गया आपको? जी माँ, वो मुझे आपसे प्यार हो गया है, बहुत अच्छी लगती हैं आप मुझे, और मैं अब आप ही से शादी करना चाहता हूँ। साहब मैं एक किन्नर हूँ और आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन्नर हो या फिर कोई आम लड़की, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और अब शादी भी आप ही से करना चाहता हूँ। अरे साहब क्यों मजाक बनाते हो, होश में तो है ना आप? एक
किन्नर से शादी करेंगे? जी करूंगा, चाहे सबके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। बोलो, बनोगी आप मेरी जीवन संगिनी? निभाओगी मेरा साथ? हाँ, बनूंगी मैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जीवन संगिनी। कुछ ही समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पर तराना को एक बात हमेशा परेशान रखती है कि वो कभी भी अपने पति को पिता बनने का सुख नहीं दे पाएगी। वहीं दूसरी तरफ रोहन को उससे कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे ही एक दिन, अरे तराना, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत दिनों से कुछ परेशान नजर आ रही हो। मैं आपको कभी भी एक पिता बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी, ये बात मेरे दिल में फांस की तरह चुभती है। अरे मेरी जान, तुम परेशान क्यों होती हो? खामखा रो रही हो यार, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, मैं तो एक किन्नर हूँ, माँ कैसे बन पाऊंगी? तुम मुझ पर यकीन करती हो ना, तो बस फिर इस यकीन को रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम जरूर माँ बनोगी, ये प्रॉमिस है मेरा। अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रोहन सुबह शाम बस ये जानकारी निकालने की कोशिश करता कि किस तरह वो अपनी किन्नर बीवी को माँ बनने का सुख देकर उसकी सूनी गोद भर सके। तभी एक दिन उसे एक डॉक्टर पूरब मित्तल के बारे में पता चलता है, जो कई ट्रांसजेंडर और किन्नरों का माँ बनने का ड्रीम अपने ट्रीटमेंट के थ्रू सक्सेसफुली पूरा कर चुके हैं। रोहन को इस डॉक्टर से उम्मीद की एक नई किरण नजर आती है। वो तराना के साथ उनके हॉस्पिटल जाता है। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं एकदम अच्छा हूँ, बस आपका ही वेट कर रहा था। जी ये मेरी वाइफ तराना है। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए मुझे क्या करना होगा माँ बनने के लिए, मैं अपनी जान तक दाव पे लगा सकती हूँ इस खुशी को पाने के लिए। देखिए आप माँ तो बन सकती हैं, पर क्या डॉक्टर साहब कहिए। रोहन जी, तराना जी, देखिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो प्लीज आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए। क्या जान जा सकती है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी तराना को नहीं खो सकता। डॉक्टर हम तैयार हैं, बस आप बताइए क्या करना है और कैसे करना है। तुम कुछ भी कहती रहो, लेकिन मैं तुम्हारी जान के साथ समझौता बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो तो मेरे साथ, और तुमने ही तो वादा किया था, भूल गए क्या? ठीक है, अगर आप दोनों रेडी हैं, तो हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। आप प्लीज रिसेप्शन पे फॉर्म भर दीजिए। इस तरह रोहन और तराना माता पिता बनने के लिए अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरने को तैयार हो जाते हैं। कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना कर और एक डेंजरस मेडिकल प्रोसीजर से तराना में गर्भाशय का ट्रांसप्लांट हो जाता है। सभी मुश्किलों को पार करके आखिरकार तराना प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ ही महीनों बाद वो बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। इस तरह एक किन्नर होते हुए भी हमारी तराना माँ बन जाती है, उसका अधूरा परिवार पूरा हो जाता है। साथ ही वो समाज को बता देती है कि चाहे कोई किन्नर हो या समलैंगिक स्त्री पुरुष, जिसके अंदर परवाह और प्यार है, उसे माँ बनने के लिए किसी कोख की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।